प्रभा केतन फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से कलम पुणे के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच भी दुनिया अभी पूरी तरह कोरोना से के खतरे से उभरी नहीं है। इस महामारी ने वर्चुअल मुलाकातों को अब एक नया नॉर्म बना दिया है। प्रभा खेतान फाउंडेशन ने इस दौर को समय से पहचाना और बातचीत के अपने सत्रों को वर्चुअल और भौतिक सेशंस में बांट दिया है, ताकि कोरोना प्रोटोकॉल के बीच आप अपने प्रिय लेखकों से मिल सकें और साहित्य की नियमित खुराक पाते रहें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि फाउंडेशन भारत और विदेश के 30 के करीब शहरों में महिलाओं के उत्थान और भलाई के साथ ही साहित्य, संस्कृति और कल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। फाउंडेशन अब तक 550 से अधिक ऑनलाइन इवेंट और 1500 से अधिक जमीनी इवेंट आयोजित कर चुका है। कलम भी फाउंडेशन के एक ऐसे ही कार्यक्रमों का एक हिस्सा है, जिसमें हम किसी लेखक को उनके चहेते पाठकों, प्रशंसकों से सीधा जोड़ते हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि कलम पुणे के इस सत्र में हमारे साथ देश की चर्चित अनुवादक, लेखक और साहित्यिक इतिहासकार डॉक्टर रक्षंदा जलील मौजूद हैं। अब तक आपकी 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने 50 से अधिक अकादमिक पत्र और निबंध भी लिखे हैं। दिल्ली के भुला से दिए गए स्मारकों पर लिखी आपकी किताब इनविजिबल सिटी 2008 में छपी और तब से अब तक बेस्ट सेलर बनी हुई है। आपके बेहतरीन कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उनके नाम बताने के लिए हमें एक सेशन अलग से करना होगा, इसलिए उन सभी का नाम बताने की जगह मैं केवल आपको हालिया पुस्तक बट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम का जिक्र कर रही हूँ, जो 40 निबंधों का संग्रह और इन दिनों खूब चर्चा में है। जाहिर है रक्षंदा की जी की इन बेशुमार लेखनी के पीछे की ताकत और प्रेरणा के बारे में जानने के लिए आप सभी मेरी तरह ही बहुत उत्सुक होंगे। आगे की बातचीत के लिए एहसास वुमेन लखनऊ की सहयोगी दीपा मिश्रा को मैं आमंत्रित करती हूँ। दीपा जी मिश्रा ने सिम्बायोसिस पुणे से MBA किया है और कई प्रसिद्ध कंपनियों में कई पदों पर वे काम कर चुकी हैं। वो लगभग 12 वर्षों तक घर पर ही छोटे बच्चों को पढ़ाती रही और युवा लड़कियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देती रही। वह वन जीवन संरक्षण के बारे में बहुत भावुक हैं और नियमित रूप से स्वयं से 20 संगठनों के साथ कार्य करती हैं। जनवरी 2019 के बाद से वह मेटाफर लखनऊ लिट फेस्ट का हिस्सा है, जो फेस्टिवल को क्यूरेट करने और विभिन्न वर्टिकल के समन्वय को अंजाम देने में शामिल है। इसलिए अब मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए लीजिए सुनिए यह बातचीत रक्षंदा जी और दीपा जी के बीच। थैंक यू, ओवर टू यू दीपा जी। Namaskar, adab, and a very good evening to all of you. Rakshanda ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है कलम के इस सत्र में, और मैं स्वागत करना चाहूंगी उन सभी लोगों का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अमिता जी ने अभी आपका इतना खूबसूरत परिचय दिया और आपके अनेकों पहलुओं से हमें वाकिफ कराया। हम उनके बारे में आपसे चर्चा के दौरान बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने लिखना कब शुरू किया, कैसे शुरू किया और किस तरह लिखना आपका जुनून बन गया? जी, तो देखिए, जिन घरों में पढ़ा जाता है वहां लिखना जरा आसान हो जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो
एक बहुत ही मामूली परिवार में पैदा हुए थे और कहा जाता है कि लालटेन की रोशनी के नीचे बैठ के खुद से पढ़ा करते थे और बड़ी मशक्कत के साथ पढ़ के उन्होंने आगे पूरा अपना जीवन बनाया। तो जो इंसान चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन आसान हो जाता है उस माहौल में लिखना पढ़ना जहाँ आपके इर्द गिर्द लोग पढ़ते और लिखते हों। मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे माता पिता दोनों को ही दिलचस्पी थी, और जिस स्कूल में मैं जाती थी दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली में, वहाँ पे मेरी मदर स्कूल की लाइब्रेरियन थी। तो और वो स्कूल की लाइब्रेरी बड़ी अनोखी थी, उसमें एक तो बहुत ही रिच कलेक्शन था, वो जैसे टिपिकल स्कूल लाइब्रेरीज होती हैं वैसी नहीं थी कि दो तीन एनिड ब्लाइटन रखी हुई हैं, दो चार चार्ल्स डिकन्स रखी हुई हैं, बहुत रिच कलेक्शन था उनके पास। और वो लोगों को इंकरेज करती थी और बच्चों को भी करती थी और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी करती थी। तो इस हिसाब से थोड़ा सा अनयूजुअल हमारा घर जरूर था कि हमें बर्थडेज में भी किताबें अक्सर मिला करती थी एज गिफ्ट्स, बर्थडे गिफ्ट्स, और मतलब कपड़े वपड़ों के साथ साथ। तो एक इम्पोर्टेंस अगर माँ बाप किताबों को देंगे और आपको इंकरेज किया जाएगा कि आप हर चीज पढ़िए, ये नहीं कि जो मैं निकाल के दे रही हूँ यही पढ़िए, बल्कि कोई भी चीज, कागज का टुकड़ा भी उठा के पढ़िए, आपको रुचि होनी चाहिए लिखित शब्द में। अगर आपको वो रुचि है तो मुझे लगता है ये बचपन से ही हमें शायद एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, एज वेल विशर्स, एज एल्डर्स, वी शुड इनकरेज इट। तो मेरे ख्याल से पढ़ने में रुचि तो वहां से थी, और लिखना कुछ एक तरह से बड़ा नेचुरल सी तरीके से शुरू हुआ। मैं एक पब्लिशिंग कंपनी में काम करती थी और मेरा काम था औरों की लेखनी को दुरुस्त करना, यानी कॉपी एडिटर वो करता है कि जो आपका डॉटिंग योर आईज, क्रॉसिंग योर टीज, करेक्टिंग योर ग्रामर, योर सिंटैक्स, एवरीथिंग। तो शुरू बात वहां से हुई कि ये सारा मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल तैयार हो रहा था, और मैं बहुत जल्दी में नहीं थी लिखने की, आई वॉज इन माई लेट 20s जब मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से ये जो सब आपके मेरे इर्द गिर्द इन्फ्लुएंसेस थे, यू नो, बचपन से पढ़ने का शौक, फिर वो कॉपी एडिटिंग करना, फिर वो नोक पलक जिसको कहते हैं हिंदी में, नोक पलक दुरुस्त करना, कि आप जो लिख के दे रहे हैं किसी को, एडिटर को या पब्लिशिंग कंपनी को या जहां भी दे रहे हैं, वो साफ होना चाहिए, क्लीन कॉपी। तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस मेरे ख्याल से इनसे मदद मिलती है। और आपके ग्रुप में जो लोग लिखने में दिलचस्पी रखते हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि जो ताना बाना है लिखावट का, जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं राइटिंग के, उनको भी अहमियत दीजिए। यू नो, सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोल लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी अंग्रेजी लिख सकते हैं, या कोई भी भाषा, वाई जस्ट अंग्रेजी, आपकी जो भी भाषा है, जैसे मराठी है, तो अगर आप मराठी अच्छी बोल लेते हैं तो मराठी अच्छी लिखने के लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत मशक्कत भी करनी होगी ना। तो वो नट्स एंड बोल्ट्स आपको तब आएंगे जब आप उसको बारीकी से देखेंगे, उसकी आप ग्रामर, उसकी सिंटैक्स, उसकी स्पेलिंग्स, हर चीज पे ध्यान देंगे। राइट, और वो कलेक्शन हमें शायद आज आपके पीछे अभी भी नजर आ रहा है, वो रिच कलेक्शन जिसके बारे में आपने बात करी। हाँ, मेरे पास तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मैं अपना लैपटॉप आपको घुमा के दिखाती हूँ। रनिंग आउट ऑफ स्पेस नाउ, आई जस्ट रन आउट ऑफ स्पेस। और ये तब हाल है जब इसी रेफरेंस से निकाल निकाल के आई कीप ब्राउजिंग, क्योंकि कुछ किताबें हैं जो आपको पता है कि आप दोबारा शायद ना पढ़ पाए, लेकिन वो अच्छी किताबें हैं, आप चाहते हैं कोई और पढ़े। सो आई कीप कलिंग फ्रॉम माय कलेक्शन एंड कीप डूइंग। एब्सोल्युटली रक्षंदा जी, जब लोग आपके बारे में पढ़ते हैं और आपका परिचय कराते हैं, तो आपको केवल एक लेखक, अनुवादक या क्रिटिक ही नहीं, एक लिटरेरी हिस्टोरियन और एक कल्चरल कमेंटेटर के रूप में भी जानते हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपके इस पहलू के बारे में। मुझसे कई लोग पूछते हैं जब मैं यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में लेक्चर देने जाती हूँ कि ये क्या, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड लिटरेरी हिस्टोरियन। तो थोड़ा सा बताना चाहूंगी, हम हिस्टोरियन तो समझते हैं लेकिन लिटरेरी हिस्टोरियन को हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। आई एम बाय ट्रेनिंग अ लिटरेरी हिस्टोरियन बिकॉज आई डिड माय पीएचडी इन अ लिटरेरी हिस्ट्री। लिटरेरी हिस्ट्री हम उसको कह सकते हैं बहुत सरल भाषा में समझाने के लिए, वो एक इंटरसेक्शन है, एक जगह है जहाँ लिटरेचर और हिस्ट्री का मेल है। तो वो जो कॉमन स्पेस है इन दो धाराओं के बीच में, जहाँ ये दो धाराएं आके क्रॉस करती हैं, उसको हम लिटरेरी हिस्ट्री कहते हैं। यानी लिटरेचर का स्टूडेंट को तो टेक्स्ट में इंटरेस्ट होगा, लेकिन जो लिटरेरी हिस्टोरियन होता है उसको कॉन्टेक्स्ट में भी इंटरेस्ट होता है। मैं सिर्फ एक टेक्स्ट को नहीं देखती हूँ, मैं ये भी देखती हूँ कि ये किन हालात में लिखा गया,
किस साल में लिखा गया, उस साल में और क्या लिखा जा रहा था, संदर्भ क्या था। कॉन्टेक्स्ट के लिए बड़ा अच्छा है हिंदी में शब्द है संदर्भ, यानी इस पूरे टेक्स्ट का, इस बड़े टेक्स्ट का या छोटे टेक्स्ट का, इस पोएम का या कोई भी चीज हो सकती है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था। अगर कबीर भी एक दोहा लिख रहे हैं तो वो क्या पीरियड था, उसमें क्या भक्ति के स्टैंड्स थे, क्या हो रहा था उस समय में, उस जगह जहां वो लिख रहे थे वहां क्या हो रहा था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ आज के वक्त की नहीं है, लिटरेरी हिस्ट्रीज तो हमेशा से है, हमने उसके लिए कॉइनेज बना ली है। लेकिन मुझे लगता है कि आज से नहीं, आदिकाल से जब भी हमने कोई ओरल टेक्स्ट को भी देखा है तो हमें उसके पीछे के संदर्भ को भी समझने की जरूरत है। तो ये तो आपका सवाल एक हुआ। दूसरा आपने पूछा कल्चरल हिस्टोरियन। कल्चरल हिस्टोरियन वो होते हैं मेरे ख्याल से लोग जो, अब जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं 4 साल की थी जब मेरी फैमिली दिल्ली आ गई, तो मैं पिछले 50 साल से ऊपर से यही रह रही हूँ। मैंने इस शहर को बदलते देखा है, चाहे वो एशियाड गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, कोई बड़ी या छोटी घटना हो, इस शहर को, इसकी अर्बन लैंडस्केप को मैंने बदलते हुए देखा है। तो अगर मैं दिल्ली के ही सिर्फ हवाले से बात करूं तो मैं ये कहती हूँ कि कल्चरल हिस्टोरियन वो होते हैं जो ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, क्या, और वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, वो खाने पीने से रिलेटेड हो सकते हैं, वो पहनावे से रिलेटेड हो सकते हैं। मैं जब दिल्ली में छोटी थी तो मुझे याद है कि धोती पहने हुए और घूंघट काढ़े हुए औरतें मुझे दिखती थी अर्बन विलेजेस में जब हम जाते थे, और दिल्ली में बहुत से अर्बन विलेजेस हैं, धीरे 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 करके वो खत्म होते गए। तो मॉर्फोलॉजी, अर्बन रिन्यूअल, ये सब चीजें हैं, ये फोर्सेज हैं जिनसे शहर बदलते हैं। कल्चरल हिस्टोरियन का काम है कि वो उन सब फोर्सेस को देखे, उन पे टिप्पणी करे, उन पे कुछ एक एनालिसिस करने की कोशिश करे। थैंक यू। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। आप रक्षंदर जी, आप एक तरफ फिक्शन लिखती हैं जिसमें एक लेखक की कल्पना शक्ति कूट कूट के भरी होती है, तो दूसरी तरफ आप इतिहास लिखते हैं जो सिर्फ फैक्ट के बारे में बात करता है, और इन दोनों के बीच में एक कवि की सृजन क्षमता या क्रिएटिव एसेंस, आप इतने अलग अलग प्रकार की कृतियां कैसे लिख लेती हैं, और इन सब के अलावा कोई और लेख शैली है जिसे आप आजमाना चाहती हैं? हाँ, मैंने बायोग्राफीज भी लिखी हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 2 बायोग्राफीज लिखी हैं, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉन है। लेकिन मैं आपको बताऊं दीपक जी, मैंने अब तक सिर्फ एक ही संग्रह लिखा है कहानियों का, अंग्रेजी में 2011 में छपा था, और उसके लिखने का भी संदर्भ आपके साथ और आपके सुनने वालों के साथ शेयर करूंगी। मैंने बहुत बड़ी उम्र में PhD किया, मैं अपने 40s में थी, तो यहाँ दिल्ली में पास में एक जगह है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। तो जब आप लिखने बैठते हैं थीसिस को तो आपको बहुत एकांत और शांति चाहिए, तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की लाइब्रेरी में मैंने एक क्यूबिकल रेंट पे लिया, जहाँ मैं सुबह आ जाती थी 10 बजे और छुट्टी लिए हुए थी अपने ऑफिस से, और ये थीसिस लिखने के लिए बैठती थी। आई हैड 2 चिल्ड्रन, अ हाउस, अ हस्बैंड, एवरीथिंग, बट वो बिल्कुल जैसे संन्यास ले लेता है ना इंसान, तपस्या में चला जाता है, उस टाइप का माहौल था। तो 10 से 8 बजे तक ये करती थी, 8 बजे वो लोग खटखट आते थे, मैडम अब जाइए हमें बंद करना है। 8 बजे में मैं गाड़ी से अपने घर जाती थी, कुछ जो भी पका होता था, पता नहीं घर कैसे चलता था, ऑटो पायलट पे चलता था, क्या होता था, मुझे वो 6 महीने का कोई मेमोरी नहीं है। लेकिन उस 6 महीने के दौरान जब मैं घर वापस आती थी तो फिर मैं अपना लैपटॉप खोलती थी और ये कहानियां लिखती थी, फिक्शन। और दो बिल्कुल विपरीत तरह की लिखनी है ये, कहां तो आप PhD का थीसिस लिख रहे हैं जिसमें आपको फुटनोट्स देने हैं, क्रॉस रेफरेंसेस करने हैं, बिब्लियोग्राफी बनानी है, और फिर आप शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे हैं जो सिर्फ यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, कहीं और से आपको कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं चाहिए, कोई फुटनोट नहीं चाहिए, जो आपने सोचा है, समझा है, आपको जो याद है, जो आपके अंदर रच बस गया है, वो किसी ना किसी तरह से निकल के आ रहा है। तो ये बहुत 2 अलग अलग तरह की लेखन थे, और मजे की बात यह है कि वो एक 6 महीने के अरसे में मेरे ख्याल से एक एड्रेनलिन रश था, यू नो, आई वाज इन अ काइंड ऑफ अ हाई, आई वाज इन अ लिटरेरी हाई, यू नो, जैसे ड्रग्स का रश होता है, ऐसे लिटरेचर का रश था मेरे ऊपर, कि मैं इतनी ज्यादा मुझ में वो तारी था कि मुझे एक अपना PhD भी खत्म करना था और फिर घर आके ये फिक्शन भी लिखना था। अफसोस की बात यह है कि उसके बाद से मैंने 1 या 2 और लिखी हैं, लेकिन वो रश, वो जुनून, वो कैफियत दोबारा आई नहीं।
हो सकता है फिर कभी आए, आई डोंट नो. नहीं नहीं, वी आर वेटिंग फॉर दैट टू कम बैक. जी रक्षंदर जी, इन योर लॉन्ग करियर एज अ राइटर एंड लिटरेरी हिस्टोरियन, योर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इज इनवैल्युएबल. You have published over 25 books and written 50 academic papers and essays, done several translations amongst other things. सबकी चर्चा तो यहाँ नहीं कर सकते हैं, पर कुछ है जिनके बारे में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, और हमें बताएं कि आपको इन्हें लिखने की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली. But you don't look like a Muslim. Okay, ये किताब मेरे पास सामने ही रखी हुई है. ये इस शक्ल की किताब है. This has 40 essays. इसका टाइटल जरूर कैची है, लेकिन वो पब्लिशर के साथ मिलके हमने डिसाइड किया कि ये हम टाइटल रखेंगे, लेकिन पूरी किताब इसके बारे में नहीं है. These are 40 essays on identity, on politics, on culture, on literature. और ये essays कुछ तो खासतौर से इस किताब के लिए लिखे गए हैं. Many were written as op-eds, as essays for newspapers and magazines. So I think I react to the world around me. Literature तो मेरा interest लिखती ही हूँ, लेकिन हम में से सभी लोग इस समाज का भी हिस्सा हैं. इस समाज में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करता है. तो कुछ चीजें तो हम अभी गोइंग थ्रू अ पास्ट, जैसे मैंने बताया कि कल्चरल हिस्टोरियन का काम है कि आप पुरानी चीजों पे लिखें, कल्चर के क्या ट्रेंड्स थे, क्या खाने होते थे, क्या कपड़े होते थे वो. बट इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, यू नो, दैट इन्फ्लुएंसेस अस. क्या क्या पॉलिटिक्स है. फेमिनिस्ट एक मूवमेंट में से बड़ा अच्छा स्लोगन निकला था 1960s में. ये एक स्लोगन के तौर पे निकला था, लेकिन मुझे लगता है कि इसके मेरे लिए बहुत मायने हैं. वो स्लोगन कुछ इस तरह से था, द पर्सनल इज द पॉलिटिकल. यानी आप अपनी जिंदगी में वो चीजें ढूंढे जिसके साथ आप कॉमन कॉज कीजिए औरों के साथ. तो मैंने, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पेट्रियार्की, इट कैन बी कॉमनलिज्म, इट कैन बी रेसिज्म, इट कैन बी कलर, यू नो, कि गोरे लोग और काले, यू नो, कोई भी फर्क हो सकता है. जो भी जिस किस्म का भी डिस्क्रिमिनेशन आपने शायद अपनी जिंदगी में महसूस किया हो या देखा हो या समझा हो, आप उस पर्सनल चीज को एक बड़े कॉज के साथ जोड़िए. And you make the personal into a political statement. And वो personal इस तरह का नहीं है कि वो सास ननद के झगड़े. I'm not talking about that level of personal. I'm talking about something else. I'm talking about something that you have felt at a very deep level, and you think that others are also interested in this. तो मुझे ये लगता है कि जो इस किताब में भी essays हैं और जगह भी हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें political भी हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज में जो हो रहा है वो कैसे इंपैक्ट करता है ऑन एनी थिंकिंग पर्सन, यू नो. राइट राइट. द नेक्स्ट बुक दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज जलियांवाला बाग, लिटरेरी रिस्पॉन्सेस इन प्रोज एंड पोएट्री. सो यू नो, आई हैड अर्लियर मेंशन दैट अ लिटरेरी हिस्टोरियन इज समबडी हु लुक्स एट दैट इंटरसेक्शन ऑफ लिटरेचर एंड हिस्ट्री. तो हमारे इन इंडिया वी आर, देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स व्हिच आर मेजर माइलस्टोन्स, जिससे मुतासर होके इन्फ्लुएंस होके बहुत अच्छी बहुत बड़ी लिटरेचर लिखी गई है. वी ऑल नो अबाउट पार्टीशन लिटरेचर, उसका बहुत चर्चा होता है. वो तो एक फील्ड ऑफ स्टडीज भी माना जाता है, वो पढ़ाया जाता है मास्टर्स लेवल पे एंड सो ऑन. तो पार्टीशन लिटरेचर भी तो यही इंटरसेक्शन है ना. तो एक बड़ा हादसा हुआ 47 का, जिससे टू कंट्रीज वर क्रिएटेड, बट जो मास माइग्रेशंस हुए, लोगों की एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशंस हुई, औरतों के साथ जो अबडक्शंस हुए, जो वायलेंस हुई, जेंडर से रिलेटेड वायलेंस हुई, ऑल ऑफ दैट फाइंड्स रिफ्लेक्शन इन लिटरेचर. तो उसी तरह से बहुत से और इंसिडेंट्स हैं, और मुझे इंटरेस्ट है उन हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स पे दैट फाइंड रिफ्लेक्शन इन लिटरेचर. जलियांवाला बाग हैपेंस इन 1919 अप्रैल इन अमृतसर, लेकिन ये एक लोकलाइज्ड इवेंट नहीं है. हम ये नहीं कह सकते कि इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ अमृतसर में रहने वाले लोगों ने ही महसूस किया. इसके रिपल्स पूरे भारत में गए और अलग अलग भाषाओं में इस पे लोगों ने लिखा. सो व्हेन आई वांटेड टू पुट दिस बुक टुगेदर, आई वाज लुकिंग एट द लैंग्वेजेस दैट आई कैन एक्सेस, व्हिच आर हिंदी एंड उर्दू एंड इंग्लिश, एंड विद द हेल्प ऑफ अदर्स पंजाबी एंड सो ऑन. सो आई वाज लुकिंग एट लिटरेचर इन दीज मेजर लैंग्वेजेस व्हिच रिफ्लेक्ट दिस. यानी एक कोई बड़ा हिस्टोरिकल इंसिडेंट होता है, उसको फिक्शन राइटर या पोएट कैसे इंटरप्रेट करता है.
तो जलियांवाला बाग एक एग्जांपल है इस किताब का. एक और मैंने किताब लिखी थी, वेरी ब्रीफली आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, इट वाज कॉल्ड द ग्रेट वॉर. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें लाखों की तादाद में इंडियंस ने पार्ट लिया. 1914 से 1918 तक ये एक वॉर होती है, यूरोप में होती है, अलग अलग जगहों पे होती है, फार ईस्ट में होती है, एंड देयर इज अ ह्यूज इंडियन प्रेजेंस इन दैट वॉर. ये लोग ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं बगैर ये समझे हुए कि ये किसकी लड़ाई है और हम क्यों जा रहे हैं. 74,000 इंडियंस डाई, सो इट्स अ वेरी बिग इवेंट. उन चार सालों में उसका हिंदुस्तान पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, एंड नेचुरली इनफ इट फाइंड्स रिफ्लेक्शन इन इंडियन लिटरेचर. सो आई एम इंटरेस्टेड कि कैसे उस समय का पोएट, उस समय का लिखने वाला इस बड़े इंसिडेंट को किस तरह से लिटरेचर में लिखता है. That is also a collection I edited. Yes. Invisible City, The Hidden Monuments of Delhi. Okay, this is among the early books. So, it's, you know, jaise maa nahi keh sakti ki mera ye bachcha favorite hai. So, I can't say that this is a favorite or that is a favorite. But yeah, it was in one of the early books. It started as columns for a newspaper. For a magazine, actually. Main har mahine jaati thi aur ek kisi lesser known monument pe ek column likhti thi, and my kids were really small, so they used to tag along with me, and some of these places they were not very safe, so I had to take my husband or a friend along, because that is the whole point of Invisible City, that ye jagahain jo hain kyunki log jaate nahi hain in monuments pe, jo badi jagahain hain wo to safe hain, jo chote monuments hain wo ek tarah se invisible hain kyunki na aapko unka naam pata hai na aap wahan jana chahte hain. Jab tak aap jayenge nahi to जब तक लोग नहीं जाएंगे, how will they become safe? They will remain these andas of vices. Yeah, so that was my plea through this book, that please go to these places, see these places, start going to them, find out about them, find out their names at least, you know? Right. And then will that cloak of invisibility lift from these places? There's another book. आप तो लखनऊ से हैं, आपके शहर में. There are so many places. I mean, everybody knows about the big places, but what about the smaller places? So I think heritage, there is a change happening. I know that people do heritage walks and other things through which they are trying to create an interest and awareness in the city's past. Aise Pune mein, I'm sure aisi jagahein hongi jo tourist map pe nahi hain. But aap agar wahan pe jaye to aapko acha lagega, you know, especially in the older parts of the city. We started with school kids, actually. We started heritage walk with school kids. Yeah, that's a great idea. Catch them young. Yeah, absolutely. A rebel and her cause. Sorry? A rebel and her cause. Now, this was a biography and my first attempt at writing a biography of a very interesting woman. She was a doctor from Lady Harding. She was a communist. She joined the Communist Party at a very young age. She died at a very young age of cancer. But in the short time that she lived, she did many, many remarkable things. She's a precursor to a kind of writing that we associate with, for example, Ismat Chughtai. Bahut se logon ne Ismat Chughtai ka naam suna hai, lekin Ismat khud kehti thi ki mera influence aur mera inspiration Dr. Rashid Jahan thi. So Dr. Rashid Jahan is the person on whom I've written this book that is called A Rebel and Her Cause. She was rebelling against the system. But there were reasons for that. So, जैसे कि किताब का टाइटल है, you know, हम लोगों को bold, and this is something that is often thrown at women. If you have short hair, you're wearing sleeveless, and you're wearing saris, and you happen to be from a good Muslim family, and yet you are looking like this, तो लोगों का ये कहना है कि, you know, she is a very bold woman. So 1930s mein, when Rashid Jahan is writing, and she's looking like this, and she's a doctor, and she's independent, so people are just giving her a label which is bold. Ab wo bold ke piche kya hai, us rebelliousness ke piche kya hai, what is she actually writing, you know, ye hum nahi pata karna chahte hain. So in writing this book, I'm saying bold is all very well, rebellious is all very well, but what are the reasons behind that, what is she rebelling against,
She's rebelling against patriarchy, she's rebelling against parda system, she's rebelling against segregation of women, she's talking about openness in society, she's talking about greater interaction between men and women in a very natural way. So these are the issues she's taking up as early as 1930s, right? And she's a founder member of the Progressive Writers Association, she's a founder member of the IPTA. और आपके लखनऊ से तो रशीद जहां का बहुत बड़ा वास्ता है बिकॉज शी लिव्ड देयर शी रन अ क्लिनिक फ्रॉम देयर एंड सो यू नो एंड शी वुड ऑफन स्पीक फ्रॉम लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो. तो एक ऐसे समय में जब टीवी नहीं था तो रेडियो के थ्रू बहुत सी सोशल चेंज की बातें कही जाती थी. रेडियो वॉज अ बिग व्हीकल फॉर यू नो ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज. सो रशीद जहां इज राइटिंग प्लेज फॉर द रेडियो, शी इज गिविंग टॉक्स ऑन द रेडियो स्पेशली थ्रू AIR लखनऊ एंड यू नो शी इज डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच इन हर शॉर्ट लाइफ लीव्स अ मार्क. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक हमें ये भी देखना है कि आप अपनी जिंदगी में जो करते हैं वो करते हैं लेकिन आप आने वाले लोगों को किस तरह से इंस्पायर करते हैं. तो मुझे रशीद जहां की जिंदगी में जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये कि she did many things and she was cramming a lot into her short life, but what she left behind for my mother's generation, for my generation, for my daughter's generation, that is also important. You know, ye jo pioneering women hoti hain ye dharti ko sapat banati hain taki aap usme cheezein bo saken. Usse pehle ki jo zameen hoti hai wo badi ubad khabad hoti hai, badi stony hoti hai, bahut banjar hoti hai. So people like her, you know, we don't just need to judge them as good writers or bad writers. We need to understand what is the impact they have left in our lives. And that is why I think a life like Rashid Jahan's was important to study. Absolutely. Another book I have to mention is Traitor. Traitor. Okay, now this was a novel by Krishan Chandar. At that point, मैं कोई खास कृष्ण चंद्र की फैन नहीं थी लेकिन जावेद अख्तर साहब जो पोएट हैं लिरिसिस्ट हैं ही इज अ ग्रेट एडमायरर एंड फैन ऑफ कृष्ण चंद्र. तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बहुत से ट्रांसलेशंस किए हैं, आपने कृष्ण चंद्र के बारे में क्यों नहीं सोचा. मैंने कहा सर वो मुझे जरा मेलोड्रामेटिक और जरा यू नो आजकल के जमाने के नहीं लगते. तो उन्होंने कहा ये आजकल का कुछ नहीं होता है, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं विच स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम. एंड उन्होंने मुझे जैसे लोग स्क्रीन फिल्म का नरेशन करते हैं ना डायरेक्टर के लिए, तो उस तरह से लगभग मुझे उन्होंने बैठ के ट्रेटर की कहानी सुनाई और उनको याद थी वर्ड फॉर वर्ड. इसका उर्दू में नाम है गद्दार और ये एक पतली सी नवेला है और कृष्ण चंद्र ने ये 1960s में लिखी थी लेकिन ये लोकेटेड 1947 में है और ये पार्टीशन के बारे में है. एंड इट रेजेस द वेरी ट्रिकली इशू ऑफ कॉमनलिज्म और पहले ये कॉम्युनलिज्म की बर्बरता को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी ब्रूटैलिटी, उसकी अग्लीनेस को. और वो जरूरी है क्योंकि जब तक वो उसकी अग्लीनेस को नहीं डिस्क्राइब करेंगे आप कैसे उसमें से कोई अच्छी चीज निकालेंगे. तो नॉवल के शुरू में तो ये सारी मतलब बड़ी स्टमक टर्निंग डिस्क्रिप्शंस हैं, बट उसमें से जो निकल के बात आती है वो ये दैट इट इज एंटायरली पॉसिबल for a human being to find humanity in the midst of ugliness, to find humanity in the midst of a very, very difficult time like 1947 was. And I think yahi iska lesson hai ki jab jab hum apne aap ke ird gird dekhte hain ki bahut hi ghinauni baatein ho rahi hain, kahin if we are able to find humanity and we are able to rise above that, you know, that is the test of a good person. तो नाम भले ही उसको गद्दार दिया गया है, उसको गद्दार नाम इसलिए दिया गया है कि वो जो मॉब है, जो क्राउड है जो आपको कह रहा है कि आप यही करो, और ये एक आदमी है जो उससे हट के अपने अंदर का इंसान ढूंढ रहा है, भले ही उस क्राउड के लिए वो गद्दार है बट ही इज स्टिल बीइंग ट्रू टू हिमसेल्फ. तो जिसका नाम ट्रेटर है, ही इज नॉट अ ट्रेटर, एक्चुअली ही इज अ वेरी फाइन पर्सन, इज जस्ट दैट ही इज अ ट्रेटर in the eyes of a crowd. And I think the time that we live in today, we can't let a crowd dictate to us. We can't let 10 people tell us ke aise hi karo, yahi theek hai. Rakshita ji, pichle kuch varshon se anuvad ko adhik se adhik manyata mil rahi hai. Kya aap apne kuch anuvad ke upanyason ya dusre kamon ke bare mein hame batayenge? Dekhiye, aur aksar ye sorry
नहीं नहीं अक्सर कहा जाता है कि अनुवाद के वक्त मौलिक कहानी का अर्थ या उसका एसेंस खो जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखकर कैसे एक अच्छा अनुवाद किया जा सकता है? पहला आपका दूसरा सवाल का जवाब देती हूँ कि लॉस तो इनेविटेबल है, ये तो मान के चलना चाहिए, और इसको मानने से ट्रांसलेटर में थोड़ी सी ह्यूमिलिटी आती है। ट्रांसलेटर को लगता है कि हम जो हैं बिल्कुल इंटैक्ट एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम जब वो ट्रांसफर करेंगे तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, लेकिन उस लॉस को मानते हुए भी हमें ये करना है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसलेशंस ना होते तो हमारी हमारी जिंदगी, हमारी लिटरेरी वर्ल्ड कितनी लिमिटेड होती। हमने ग्रीक क्लासिक्स ना पढ़े होते, हमने फ्रेंच सिंबलिस्ट ना पढ़े होते, हमने रशियन मास्टर्स ना पढ़े होते, और हमारे यहाँ की जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, टैगोर है, प्रेमचंद है, ये बाकी दुनिया ने ना पढ़ा होता। तो ये सब चीजें जो आदान प्रदान है, जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है लिटरेचर का, ये सिर्फ ट्रांसलेशन के जरिए मुमकिन है। तो ट्रांसलेशन इज नेसेसरी, बट यस देर इज सम अमाउंट ऑफ लॉस। अब उस लॉस को आप मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं एज अ ट्रांसलेटर, आप नोट्स देते हैं, आप इंट्रोडक्शंस लिखते हैं, आप ग्लॉसरीज प्रोवाइड करते हैं, आप फुट नोट्स लिखते हैं, ताकि आप उस लॉस को मिनिमाइज कर सकें, ताकि आप कहें कि अच्छा मैं ये सेंटेंस को तो क्लटर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ओरिजिनल में नहीं था, सो आई कॉन्ट पुट माई ओन मीनिंग, बट वट आई कैन डू इज बिकॉज माई जॉब इज ऑल्सो दैट ऑफ अ फेसिलिटेटर, सो एज फैसिलिटेटर आई कैन प्रोवाइड यू विद फुटनोट्स, मोर कॉन्टेक्स्ट। बार बार वो वर्ड यूज कर रही हूँ, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। पहला सवाल था, सवाल का पहला हिस्सा था वो ये कि देखिए हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ ऑल ऑफ अस हैव एटलीस्ट टू इफ नॉट मोर लैंग्वेजेस। आप अगर जैसे लखनऊ में रहती हैं, हिंदी जानती हैं, इंग्लिश जानती हैं, मुमकिन है आप एक कोई और भाषा जानती हो, या आप एक कोई डायलेक्ट जानती हो, जैसे पूरबिया हुई या कोई और चीज, या जो हमारे सुनने वाले लोग पूना में हैं ये मराठी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। तो अब आपको ट्रांसलेशन के लिए क्या चाहिए? आपको कोई दो लैंग्वेजेस चाहिए, और कोई एक लैंग्वेज जिसमें आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसमें आपकी स्किल्स ज्यादा होनी चाहिए, जिस लैंग्वेज से कर रहे हैं उसमें। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छा रूट है टू बीइंग अ राइटर, टू बीइंग अ पब्लिश्ड राइटर। मेरा अपना सफर भी एज अ राइटर शुरू हुआ एक्चुअली ट्रांसलेशन से। इन 92 आई फर्स्ट ट्रांसलेटेड प्रेमचंद फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। सो आई थिंक इन अ कंट्री लाइक आवर्स वेयर देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, वेयर मोस्ट ऑफ अस हैव मोर देन वन लैंग्वेज, and those of us who want to write, who are interested in literature, I think a very good route to take for writing is through translation. और जरूरी नहीं है कि आप जल्दी में मत रहिए उसको पब्लिश कराने की, लेकिन आप अपने प्लेजर के लिए, जैसे कुछ लोग डायरी लिखते हैं, आप अपने प्लेजर के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए। इससे आपकी जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं राइटिंग के, जो टेक्निक है राइटिंग की, जो जो बारीकी से किसी टेक्स्ट को पढ़ना और फिर लिखना, इसकी प्रैक्टिस होती है। तो इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी दो भाषाएं आपको आती हैं आप उनमें ट्रांसलेशन कीजिए, उसको छपाने की जल्दी में मत रहिए, अपने शौक के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। जैसे गाने वाला रियाज करता है, उसको जरूरी नहीं है कि कॉन्सर्ट है कि कॉन्सर्ट से पहले ही रियाज करेंगे, बाकी समय नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो रियाज करने वाला रोज करता है, तपस्या है, ये रोज करनी है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपको अगर थोड़ी बहुत भी रुचि है, आपको दिलचस्पी है कि आप कुछ लिखना शुरू करें, तो ट्रांसलेशन एक बहुत अच्छा रूट है। थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट कीजिए, रोज कीजिए, उससे आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी। इट्स अ वेरी हेल्पफुल टिप। और नेक्स्ट सवाल हमारा जो है वो है आपके हिसाब से समाज, राजनीति और संस्कृति लेखन पर क्या और कितना असर पड़ता है? मैं कुछ हद तक इसका जवाब दे चुकी हूँ कि देखिए समाज का हिस्सा है लेखक, वो एक अलग आइलैंड पे नहीं रह रहे हैं। ये अलग बात है कि लिटरेचर में दो बड़े स्कूल्स हैं, लाइफ फॉर लाइफ सेक एंड आर्ट फॉर आर्ट सेक, लिटरेचर फॉर लाइफ सेक एंड लिटरेचर फॉर आर्ट सेक। यानी हम
कुछ लोगों का मानना है कि हमें समाज के लिए लिखना है और कुछ लोगों का मानना है हमें प्योर आर्ट के लिए लिखना है, यानी मैं अपने दुख, अपने अपनी शंकाएं, अपनी मिसगिविंग्स के बारे में जिक्र करना चाहता हूं और मैं अपने ही इमेजेस, मेटाफर्स, सिंबल्स को डिवाइस करूंगा, भले आपको समझ में आए या ना आए। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है और ये एक लेजिटिमेट स्कूल है। एक और स्कूल है जो कहता है कि नहीं, हमें जो भी लिखना है वो हमें दूसरे के लिए लिखना है, हम जो लिख रहे हैं वो किसी को समझ में आना चाहिए। और लिटरेचर का एक सोशल फंक्शन है, यानी सोशली इंगेज, सोशली परपोजिव लिटरेचर है। जैसे प्रेमचंद को मान लीजिए, प्रेमचंद सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, वो समाज के लिए लिख रहे हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि I belong to the second school of thought, which says that you write for the world that you live in. If I write only about what the moon means to me, then I should just start writing a diary. Then I need not think of writing a book. लेकिन अगर मैं किताब लिख रही हूँ और मैं ऐसी किताब लिख रही हूँ तो मुझे एक लैंग्वेज भी ऐसी यूज करनी है जो आपको और सबको समझ में आए। मुझे अपने मेटाफर्स, अपनी इमेजेस को बहुत ज़्यादा ओपेक नहीं रखना है, उनमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो मैं कह रही हूँ आपको समझ में आना चाहिए। और साथ ही साथ मैं जिस दुनिया में रहती हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द इन्फ्लुएंसेस हैं, जिन चीज़ों से मुझे तकलीफ पहुँचती है या जिस चीज़ों से मैं हर्ट फील करती हूँ या जिन चीज़ों से मैं रिएक्ट करती हूँ, वो सोशल हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं, इकोनॉमिक हो सकती हैं, हिस्टोरिकल हो सकती हैं, उन सब चीज़ों का मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक झलक एटलीस्ट मेरी राइटिंग में तो आती है। आपने बताया कि आपने पीएचडी लगभग अपने मास्टर्स के कई साल बाद करी, तो इतना लंबा समय क्यों, इतना लंबा अंतराल क्यों, या कोई निजी वजह या देखिए मैंने एमए किया और उसके बाद मुझे बहुत आसानी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर की जॉब मिल गई और फिर वो छोड़ के मैं कुछ दिनों के लिए अलीगढ़ गई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने, और मुझे लगा कि मुझे टीचिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, सो आई लेफ्ट इट एंड आई केम बैक। वे बैक व्हेन आई डन माय एमए, उस समय ये नेट और ये सब नहीं होता था और आपको मास्टर्स में फर्स्ट डिवीजन है तो यू गॉट अ जॉब टीचिंग वेरी इजीली। तो वो इतनी आसानी से आ गई कि कभी शायद उसकी मैंने पूरी तरह से उसको उसकी यू नो आई डिडंट वैल्यू इट इनफ। तो टीचिंग वीचिंग जब छोड़ दी तो लगा कि क्या जरूरत है पीएचडी या एमफिल करने की। एक लंबा अरसा गुजर गया, मैं अलग अलग तरह के काम करती थी, कभी पब्लिशिंग हाउस में काम करती थी, कभी कुछ करती थी, कहीं पीएचडी बतौर डिग्री की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन एक वक्त आया जब मुझे लगा कि मैं सिस्टमेटिकली कुछ चीजें पढ़ना चाहती हूँ और लिखना चाहती हूँ, तो मुझे ये लगा कि नाउ इज द टाइम टू डू अ पीएचडी। अगेन नॉट फॉर करियर एडवांसमेंट, बिकॉज उससे मुझे करियर में तो कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक, मेरा कोई करियर ही नहीं है एक्चुअली, आई एम अ राइटर। सो आई डिडंट डू इट फॉर करियर एडवांसमेंट, आई डिड इट बिकॉज आई फेल्ट आई नीडेड टू राइट अ लिटरेरी हिस्ट्री एंड आई वॉन्टेड टू राइट अ बिग लिटरेरी हिस्ट्री एंड आई वॉन्टेड टू राइट इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मेथोडिकल मैनर, एंड सो इट सीम्ड अ गुड आइडिया 25 years after having done my MA with grown-up children and a house to run and a job and everything, at that point I decided to do an MPhil, to do a PhD. तो मेरे ख्याल से ये हमारे इंडिया में एक लीनियर स्टडी का कॉन्सेप्ट है कि आप एक के बाद एक करते जाएं। हम गैप ईयर्स को भी बहुत यू नो शुभा से देखते हैं। बीए के बाद एमए अगर आपने एक साल का गैप ले लिया तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है जॉब के समय आप एक साल तक क्या कर रहे थे, जबकि और देशों में ये बहुत अच्छी बात समझी जाती है। कई लोग तो छुट्टी लेके गैप ईयर लेके सिर्फ दुनिया घूमने निकल जाते हैं, यू नो इन यूरोप इन अदर प्लेसेस, इट्स क्वाइट द थिंग। तो हमने अपने आप को इतना ज्यादा एक लाइन में चलने वाला जीव जंतु बना लिया है कि हम चाहते हैं कि हमें खट 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 एक के बाद एक सारी क्वालिफिकेशंस करनी चाहिए। इसलिए लोगों को बड़ा अचंभा होता है कि 25 साल की, हाँ 25 साल जरा ज्यादा लंबा अरसा था, आई एग्री बट आई थिंक आई वॉज मैच्योर मेंटली, आई हैड रेड अ लॉट बाय देन। आई थिंक वो जो सारा मैंने इतने सालों में पढ़ा था उसका निचोड़ मेरे थीसिस में आया और अलग अलग तरह की चीजें मैंने पढ़ी जो शायद मैं अगर 23, 24, 25 साल की होती उस समय और तब पीएचडी कर रही होती तब नेचुरली मैंने इतना ना पढ़ा होता जितना कि मैंने एक 40 के ऊपर की उम्र में पढ़ रखा था। तो मेरे ख्याल से पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, ये सीमाएं हमने डिसाइड की हैं।
ये हमने डिसाइड किया है कि अरे 30-40 साल की ऊपर होके आप पीएचडी कर रहे हैं, ये क्या क्या फायदा होगा इससे? तो फायदे और नुकसान से अगर आप उठ के देखें, एंड यू डू समथिंग फॉर द प्योर प्लेजर, एंड आई डू बिलीव दैट डूइंग द पीएचडी गेव मी अ लॉट ऑफ प्लेजर. आई रियली ट्रूली एंजॉयड राइटिंग दैट बुक. इट्स अमंग द फाइनेस्ट बुक्स आई थिंक आई हैव रिटन अमंग द 25-30 अदर बुक्स दैट आई हैव रिटन. बट द जो मेरा थीसिस है जो किताब की शक्ल में छप के आया, मुझे लगता है कि उसमें जितनी मेहनत है वो नजर आती है, एटलीस्ट मुझे नजर आती है. बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी नजर आती है. जी, आपने पीएचडी अपना प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट पे करा, हमें उसको चुनने की कुछ वजह बताइए. व्हाई डिड यू चूज दैट टॉपिक? देखिए, हम आप और हमने बहुत से लोगों को पढ़ा है बगैर ये समझे कि वो एक मूवमेंट का हिस्सा थे. मैं कुछ नाम अगर जल्दी जल्दी भी सुनाऊं, मंटो, फैज अहमद फैज, मजाज, आपके लखनऊ के मजाज, इस्मत चुगताई, ये सब नाम जो हैं ये हम अलग अलग जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये एक मूवमेंट का हिस्सा थे. उस जिसको आज भी प्रगतिशील लेखक संघ कहा जाता है हिंदी में, और उर्दू में उसको कहते हैं तरक्की पसंद मुसन्निफीन की एसोसिएशन, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन. इंग्लिश में कहते हैं द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट या प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन. 1936 में अप्रैल में एक आपके बार बार हम लखनऊ की तरफ आ रहे हैं, लखनऊ से शुरुआत होती है और प्रेमचंद एक इनॉग्रल एड्रेस देने आते हैं, फर्स्ट ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का. और प्रेमचंद लखनऊ के रिफाई आम हॉल में आके जब वो एड्रेस दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें सौंदर्य की परिभाषा बदलनी होगी. वी हैव टू चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी. वी हैव टू एज राइटर्स वी हैव टू से कि हमें खूबसूरती अलग अलग चीजों में देखनी है. खेत में काम करने वाली औरत जिसके माथे पे पसीना है उसमें भी, उस पे भी हमें उपन्यास लिखने हैं, वो भी खूबसूरती का बायस हो सकती है. और वहां से बात शुरू होती है. प्रेमचंद उसके कुछ महीने बाद उनका देहांत हो जाता है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जोर पकड़ती है और अगले 20-30 साल तक ये एक आंधी की तरह पूरे भारत में इसका असर हमको दिखता है. और ये सिर्फ हिंदी या उर्दू में नहीं, ये सब भाषाओं में जाती है. मराठी में बहुत स्ट्रांग है, बांग्ला में, तेलुगु में, गुजराती में, ये सारी भाषाओं में हमको प्रगतिशील लेखक संघ की ब्रांचेस दिखती हैं अलग अलग शहरों में, प्रांतों में. और इन सब में कॉमन कंसर्न्स हैं. वो ये कहते हैं कि हमें अपने वक्त के सब बड़े इज्म से कॉमन कॉज करना है. नेशनलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी फैशिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म, फेमिनिज्म, लैंड रिफॉर्म, जो भी समाज में हो रहा है हमें उसके बारे में लिखना है. हमें अपने दुख अपने सुख की चिंता नहीं करनी है, हमें समाज में क्या हो रहा है, हमें एक आईना दिखाना है. यू नो, वी हैव टू होल्ड अप अ मिरर to the world, and in that mirror we have to show good, bad, indifferent, whatever is happening in the world around us. To bahut sankshep mein agar hum kahe pragatishil lekhak sangh ya progressive writers association ka kya tatv tha, tatv sirf ye tha ki jo bhi samaj mein ho raha hai wo apne literature mein laiye aur uska zikr kijiye. Bilkul bilkul, aapne writers movement at one time was tied to the social movement bahut hi ji bilkul. और हमको लगता है कि ये कोई अपने आप में बहुत निराली चीज थी. निराली तो थी, लेकिन ये काम हो रहा था, ये तितर बितर करके हो रहा था. जब उसने एक मूवमेंट की शक्ल ली, जब उसने एक एसोसिएशन की शक्ल ली, तब वो बहुत पावरफुल हो गया. उससे पहले प्रेमचंद लिख रहे थे, बहुत से लोग लिख रहे थे, अलग अलग भाषाओं में लिख रहे थे, तो लेकिन कोई भी आइडिया को प्रोपगेट करने के लिए आई थिंक एक मूवमेंट की, एक एसोसिएशन की जरूरत होती है. आपने प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के वक्त के लेखक सम्मेलन के बारे में बहुत लिखा है, कैसे ये मुशायरे से शुरू होते थे और आज के लेखक सम्मेलन में किस प्रकार का माहौल होता है? देखिए, वही मैं बात जो अभी कह रही थी कि आइडिया को प्रोपगेट करने के लिए अगर हमें एक कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो प्लेटफॉर्म मदद करता है उस आइडिया को एम्प्लीफाई करने में.
आज के वक्त जब मैं देखती हूँ तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि राइटर्स ज्यादातर अपने अपने आइलैंड्स पे, टापुओं की पे बैठे हैं, और मैं ये नहीं कहती सब राइटर्स ऐसे हैं, लेकिन मुझे कोई एक संघ या कोई एक मूवमेंट के तौर पे चीजें कम नजर आ रही हैं इस वक्त. देर आर लिटरेरी एसोसिएशंस, देर इज द साहित्य अकेडमी विच इज इन ऑल द स्टेट्स, देर आर अदर स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी कलम ही कितना अच्छा काम कर रही है, एहसास ग्रुप है, ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे एसोसिएशंस हैं जो राइटिंग्स को, राइटर्स को इनकरेज करती हैं. लेकिन जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की जैसी एक बड़ा मूवमेंट, वो इस समय हमको नहीं दिखाई दे रहा जो पैन इंडियन हो. ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं ये सिटी वाइज हैं या प्रांत वाइज हैं या किसी एक, या कि उनको गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है या वो इससे फंड्स चाहते हैं उससे फंड्स चाहते हैं. ये जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन थी ये किसी से फंड्स मांगने नहीं गए. इन्होंने कहा हम तो राइटर्स हैं, हम कहीं पे भी मिल लेंगे, हम पेड़ के नीचे बैठ के बात कर लेंगे या एक दूसरे के घरों पे मिल लेंगे, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, यू नो. तो ये एक बड़ी अनयूजुअल बात थी. आज राइटर्स जो है सबसे पहले वो ये कहते हैं कि अच्छा आप हमें लिटरेरी फेस्टिवल में बुला रहे हैं तो विल यू बी सेंडिंग मी माई बिजनेस क्लास टिकट और इकोनॉमी टिकट. ये सोच पहले नहीं थी. अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सब आज इस सोच का शिकार हैं कि हम पहले ये पूछते हैं कि आप क्या दे रहे हैं फिर हम आपके प्रोग्राम में आएंगे. यू नो इट्स अ सैड सैड ट्रुथ. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. रक्षंदर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी एक संस्था है हिंदुस्तानी आवाज, उसके बारे में हमें कुछ बताएं. सो 2001-2002 के आसपास मुझे लगने लगा, वही जो बात अभी कह रही थी कि यू नो हम स्टेट स्पॉन्सरशिप या गवर्नमेंट फंडिंग या ये वो चाहते हैं, तो मुझे लगने लगा कि क्या हम सिर्फ अपने बलबूते पे, अपने जज्बे के तहत कुछ कर सकते हैं. तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम हिंदुस्तानी आवाज़ को शुरू किया गया कि हम किसी भी संस्था से उनकी जगह तो मांगेंगे लेकिन हम उनसे पैसे नहीं मांगेंगे. और हम कहेंगे जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से या साहित्य अकेडमी से या ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर से कि अपनी स्पेस हमें दीजिए और हम एक प्रोग्राम करेंगे. हम आपसे ना पैसे मांगेंगे, ना हम स्पॉन्सर्स को ढूंढेंगे, कुछ नहीं कहेंगे. अगर आप चाय पिला देंगे तो हम खुशी से पी लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पिलाएंगे तो भी ठीक है, बस अपनी स्पेस हमको दीजिए. शुरुआत ऐसे हुई थी. और आपको हैरत होगी कि इतने लोगों ने पिछले 15-20 साल में हमारी मदद की, ना सिर्फ अपनी स्पेस दी बल्कि आज भी हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है. हिंदुस्तानी आवाज़ का कोई बैंक अकाउंट नहीं है. हम ना पैसे लेते हैं ना पैसे देते हैं. इसके ज़रिए मुझे समझ में ये बात आई कि आज भी अगर आप कुछ करना चाहें और आपका जज्बा मजबूत है और आप लोगों से कहें कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इस पर आइए और अपनी नई किताब पर चर्चा कीजिए, तो कोई भी लेखक क्यों नहीं आएगा, वो तो खुशी खुशी आएंगे. या आप एक पैनल डिस्कशन कर दें और आप इंडिया हैबिटेट सेंटर या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या कोई दिल्ली की जो बड़ी स्पेसेस हैं यहाँ पे एक इवेंट करें, तो राइटर भी खुश है और सुनने वाला भी खुश है. ये टिकटेड परफॉर्मेंसेज नहीं होती हैं. हिंदुस्तानी आवाज़ ने पिछले 15-20 साल में जब से हम लोग काम कर रहे हैं, हम ना टिकट लगाते हैं, हमारे सब इवेंट्स पब्लिक होते हैं. तो इसका जो ये एक्सपेरिमेंट था वो मेरे ख्याल से एक हद तक कामयाब हुआ कि हम आज भी इतने मटेरियलिस्टिक जमाने में भी अगर चाहें तो हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि आइए आप आके यहाँ पे परफॉर्म कीजिए या आप अपनी ड्रामेटिक रीडिंग कीजिए. होता सब कुछ लिटरेचर से ही रिलेटेड है. वी डोंट डू मार्केटिंग और बिजनेस और अदर सब्जेक्ट्स. वी टॉक अबाउट लिटरेचर, वी टॉक अबाउट बुक्स, वी टॉक अबाउट हिंदुस्तानी लिटरेचर विच इज हिंदी और उर्दू का जो एक बड़ा मीठा बड़ा शीरीन मिश्रण है, हम उस पर बात करते हैं. तो उससे रिलेटेड किताबें या बुक रीडिंग्स या प्लेस करते हैं. राइट, थैंक यू रक्षंदर जी, इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. अमिता जी, आई कैन सी द लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव कम अप फ्रॉम द ऑडियंस. ऑल योर्स नाउ, प्लीज. थैंक यू दीपा. रक्षंदर जी, देर आर टू क्वेश्चन हियर विच आई रीड आउट. शर्वरी पार्सनेस पुणे से है, जिन्होंने पूछा है, इज एवरी लैंग्वेज इक्वली एक्सप्रेसिव? हैव यू फेल्ट दैट द नेटिव लैंग्वेजेस हैव सम वर्ड्स दैट डू नॉट फाइंड सिमिलर वर्ड्स इन इंग्लिश? All languages are equally expressive. It would be a form of language chauvinism on my part to say that a language is more expressive than others. Having said that,
all languages have different meters, different registers, different expressions. I'll give you very basic examples. In English, you just say aunt and uncle. In Hindi, Urdu, you say jija ji, you say masa ji, pupa ji, chacha ji, tau ji, and you have the equivalents for the female. You don't say just uncle and aunt. Ye to ek example hua. Phir rain, barish, phuar, chhirkao, itne sare words hain. To jo cheeze aapke literary culture mein importance rakhti hain, uske liye aapne multiple like words banaye. Rain is very important in our, we are an agrarian society. We were once upon a time entirely driven by the arrival of the monsoon. So the rain was important to us, not just now, but for hundreds of years. So naturally enough, we have many, many words for rain in our languages, not just Hindi and Urdu, but in all languages. Then I gave the example of rishte, you know, for relationships. So I can think of many, many such examples why, how there will be no correlation that in English, I will just have one word, uncle, and I'm supposed to use that. So as a translator, then what do I do? The generation before me, when translation started in India, used to use just uncle. But my generation of translators, with the confidence that we are gradually getting over a period of time, we have started saying that, look, I will not say uncle and aunt. I'm going to say chacha ji. And I'll give a glossary and I will give that meaning. I will say phuppi jaan. Phuppi jaan is father's brother, sister, like bua. So if I'm translating from Urdu, I will say phuppi amma or phuppi jaan. I will not say auntie or aunt. Because using aunt or auntie in that sentence just gives a very colonial, very archaic sound to my sentence. And yet the previous generation of translators thought it was okay to use uncle and aunt. But things change with time. Translators themselves are getting the confidence that it is okay to say phuppi amma and then carry on the rest of the sentence in English. So to answer your question, there are, as translators, we are not looking for equivalences. You know, we are not looking for equal. Tarazu thodi hai. We are not going around with a measuring scale or a weighing scale in our hand and dono pallo ko equal hona hai. No, it's not about equality. It's about approximation. It's about coming close. It's about building bridges. Wo bridge jo hai, is chhor se is chhor tak aapko laega. Ho sakta hai, wo ek satisfactory bridge ho. Wo puri tarah se, pure meaning ko is end se is end tak laye. Ho sakta hai. Ho sakta hai, usme kuch loss reh jaye. हो सकता है वो बिल्कुल भी सैटिस्फैक्टरी ना हो, यू नो, दैट इज अ रिस्क यू टेक, दैट इज अ रिस्क यू टेक एज अ ट्रांसलेटर, बिकॉज यू नो दैट व्हाट यू आर डूइंग ओवरऑल इज इंपॉर्टेंट. लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, दैट इस डर से कि एम आई क्लोज इनफ, इफ आई नॉट डू दैट ट्रांसलेशन, देन आई थिंक दैट इज द ग्रेटर ईविल. द लेसर ईविल इज आई स्टिल डू इट. And I think that, okay, maybe I have lost something in this process, but let me explain that in a footnote or in a introductory essay or in some other way. So what I have lost here, I try and fill or provide an explanation for somewhere else. Does that answer your question? Yes, बहुत सही कहा आपने. गौरी देश पांडे भी पूना से हैं. उन्होंने पूछा है, A lot has been said about the artistic liberty. What is your take on it as a literary historian? artistic liberty, मैं translation के हवाले से इस वक्त बात करती हूँ. Because as a literary historian, तो कोई artistic liberty नहीं हो सकती, because a literary historian goes by facts. वहाँ अब जलियांवाला बाग है, उसका आप उसमें आप आर्टिस्टिक हिस्ट्री लिबर्टी क्या लेंगे? यू कांट देन ट्विस्ट फैक्ट्स, राइट? बट ट्रांसलेशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसक्रिएशन. सम पीपल डू दैट. आई पर्सनली डोंट बिलीव इन इट, बट आई नो दैट देयर इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन कॉल्ड ट्रांसक्रिएशन, वेयर यू क्रिएट अ फ्रेश, where you take more liberties with the text
एंड देन यू ट्रांसक्रिएटेड, वो आर्टिस्टिक लिबर्टी है. मैं पर्सनली उस हद तक आर्टिस्टिक लिबर्टी के खिलाफ हूँ. मुझे लगता है वॉट एवर आर्टिस्टिक फ्रीडम आई वॉन्ट और क्रिएटिव फ्रीडम आई वॉन्ट, आई शुड कीप दैट फॉर माई ओन फिक्शन, आई शुड कीप दैट फॉर माई ओन राइटिंग्स. बट एज अ ट्रांसलेटर आई नीड टू बी वेरी वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल. देयर आई डोंट थिंक आई शुड परमिट माई सेल्फ टेकिंग एनी लिबर्टीज, बट दैट्स माई पर्सनल व्यू. थैंक यू सो मच रक्षिंदा जी. प्रभा केतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन ऑफ पुणे, जो मैं अमिता मुनोद, सुजाता सबनिस और नीलम शिवलेकर हैं, आपका बहुत ही धन्यवाद कहती हूँ. अतिथि डॉक्टर रक्षिंदा जलील और दीपा मिश्रा का भी आभार, जिनकी रोचक और जानकारी भरी बातचीत ने इस शाम को यादगार बना दिया है. हम अपने सहयोगियों द होटल, ओ होटल और लोकमत के भी बहुत आभारी हैं. थैंक यू बोथ ऑफ यू. थैंक्स फॉर कीपिंग द लाइव सेशन. थैंक्स अ लॉट. वर्चुअल सेशन द लाइव. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. आई विल टेक योर लीव. या थैंक्स अ लॉट. इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. या थैंक यू सो मच. यू वर वेरी गुड. यू वर टू गुड. दीपा जी बहुत अच्छा रहा आपका. थैंक यू सो मच. बहुत क्या हुआ आपका वो सेशन कहाँ गया? वो मैंने नहीं किया क्योंकि रैपिड फायर इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम कम हो गया था. फोन आया कि वो क्या कहते हैं मत करिए. आई कैन प्ले द फोन. Yeah, I know. I was waiting for that. I know. I had prepared a rapid fire. बहुत अच्छा सा था लेकिन वो then no time. चलिए. Okay. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye. Yeah.